વાત કરીએ અગત્યના સમાચારની, રામ મંદિરને લઈને અગત્યના સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે. ધર્મ સંસદમાં રામ મંદિર પર પ્રસ્તાવ પાસ કરવામાં આવ્યો છે. 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ રામ મંદિરની આધારશિલા રાખવામાં આવશે. ધર્મ સંસદમાં રામ મંદિરનો આ પ્રસ્તાવ પાસ કરવામાં આવ્યો છે. શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદે બોલાવેલી ધર્મ સંસદમાં એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં નિર્ણય લેવાયો છે કે 21 ફેબ્રુઆરીએ રામ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવશે. શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદે બોલાવી આ ધર્મ સંસદમાં નિર્ણય લેવાયો છે. 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ રામ મંદિરની આધારશિલા રાખવામાં આવશે. વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા રજનીશ રંજન પાસેથી. રજનીશ, ધર્મ સંસદ મેં રામ મંદિર પર પ્રસ્તાવ પાસ હુઆ, 21 ફેબ્રુઆરી કો આધારશિલા રખી જાયેગી, ક્યા ઝ્યાદા જાનકારી? બિલકુલ, દેખીએ, સાધુ સંતોને ને યે નિર્ણય લિયા હૈ કે 21 ફરવરી સે હી રામ મંદિર કા જો નિર્માણ હૈ વો શરૂ હોગા. और 21 फरवरी को स्वरूपानंद सरस्वती अयोध्या जाएंगे, यानी कि पहले ही ये तय कर लिया गया है कि 21 फरवरी को कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का काम शुरू होगा. हालांकि पहले ये बताया गया था विश्व हिंदू परिषद की ओर से कि 31 जनवरी और 1 फरवरी यानी कल और परसों, दो दिन प्रयागराज में कुंभ के दौरान धर्म संसद का आयोजन होगा और उसमें साधु संत निर्णय लेंगे. लेकिन उससे पहले ही ये बड़ी घोषणा स्वरूपानंद सरस्वती और उनके साधु संत हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है. इस वक्त कहा यह जा सकता है कि जो साधु संतों का जो ग्रुप है वो दो खेमों में बटा हुआ है, दो अलग अलग, एक तरह से कहा जाए कि ग्रुप है, अलग अलग तरीके से वो अपने निर्णय ले रहे हैं. और अभी तक ये माना जा रहा था कि दो दिन की जो बैठक होगी प्रयागराज में, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा ऐलान किया गया है. तो ये कितना वर्कआउट करेगा, ये कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी. लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है. और इसके साथ चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जूडिस है, अभी इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, तो कोर्ट के ऊपर भी किसी ना किसी रूप में दबाव बनाने की ये आप पहल कह सकते हैं साधु संतों की ओर से. कल और परसों भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, वहां से कुछ और निर्णय आएंगे और 21 फरवरी का जो डेट है वो वाकई उस दिन से निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा या नहीं शुरू हो पाएगा, ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है. लेकिन दबाव बनाने की जो रणनीति है साधु संतों की, वो कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दे रही है.